गाइस, काफ़ी टाइम के बाद मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग करना छोड़ दिया था, पता नहीं यार, मतलब मन तो बहुत करता है करने का और मैं स्टार्ट भी करती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, उसके बाद फिर छूट जाता है। ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। तो इससे पहले मैं जिस फ्लैट में रहती थी वहाँ पे भी और इस फ्लैट में आने के बाद भी आपका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहता है कि हाउस टूर करो। तो मैंने सोचा फाइनली मैं इस घर का टूर करती हूँ। एक्चुअली मैं ये बिल्कुल प्लेन जो बिल्डर आपको प्रोवाइड करता है ना, जिस टाइप का फ्लैट, बस वही है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी इंटीरियर नहीं किया हुआ है। और ये इनके जो ओनर है वो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, उनके बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं कोयम्बटूर में ही, उनके बहुत ज़्यादा आई थिंक 20+ फ्लैट है। तो यहाँ उनको लेने के बाद तो उन्होंने आके देखा भी नहीं है कैसा है क्या है, और वो देने को रेडी भी नहीं थे। मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो उन्होंने इस फ्लैट को दिया था कि ऊपर वाले फ्लोर में वो देने को रेडी थे, ये वाला देने को रेडी नहीं थे। क्योंकि इसमें बेस्ट पार्ट ये है ना कि इसमें बेडरूम में बहुत बड़ी बालकनी है जो सारे फ्लैट्स में नहीं है, ओनली 4 फ्लैट्स में, लाइक 3rd फ्लोर में, 4th फ्लोर में और 7th फ्लोर में, 13th फ्लोर में। तो मैं 13th फ्लोर में रहती हूँ। तो अच्छा, बाकी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, बट आज मैं आपको यहाँ पे यही बताने वाली हूँ कि हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। अभी 8 मंथ ही हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए, मैं तो कल हम यहाँ से जा रहे हैं। तो मैंने सोचा फाइनली मैं आपको यहाँ का हाउस टूर दे दूँ, क्योंकि भले ही प्लेन घर है ना, मैंने बहुत ज़्यादा दिल लगा के इस घर को सजाया हुआ है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है हर एक चीज़ को करने में, क्योंकि बहुत सारा सामान था मेरे पास और मुझे बहुत, ये घर बहुत बड़ा है। आई थिंक ये 2200 स्क्वायर फीट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़े बड़े 3 बालकनी हैं। और मेन पार्ट इस घर को छोड़ते हुए ना, मुझे मतलब मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ तो मैं अच्छे से बोल रही हूँ, बट जब भी इस घर को छोड़ने का ख्याल आ रहा है ना, दिल में दर्द हो रहा है मेरे, मतलब जो होता है ना एकदम फूट फूट के रोना, वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे। तो किसी तरह से मैंने अपने आप को समझाया हुआ है, फ्लैट इस तरह का बहुत मिल जाएगा, इससे बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया ना, इस फ्लैट में वैसा कुछ भी नहीं है, पूरे ये प्लेन है। जो भी यहाँ पे एक एक सामान आप देख रहे हो वो मेरा है, सिर्फ यहाँ पे वार्डरोब दिया, 5 वार्डरोब ओनर ने प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा यहाँ घर का एक एक चीज़ मेरा ही है, बट इस घर से बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट है, क्योंकि ना यहाँ पे ये जो व्यू, यहाँ से जो व्यू है ना, और लाइटिंग, इतनी ज़्यादा लाइटिंग खतरनाक वाली आती है ना, अभी घर में एक भी बल्ब वगैरह कुछ भी नहीं ऑन है, बट ये लाइटिंग हर तरफ से इतनी ज़्यादा आती है ना, इसकी वजह से मुझे ये घर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इतनी ज़्यादा एनर्जी आती है जब आपको उस तरह से सब तरफ से लाइटिंग मिल रही हो, तो आप सुस्त नहीं रह सकते हो, आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, दिन में तो सोना मुश्किल ही हो जाता है। और व्यू सारे ही बालकनी से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा पता नहीं, मतलब इस तरह से ये पूरा ओपन है, इसके सामने कुछ भी अपार्टमेंट नहीं है, कुछ भी ब्लॉकेज नहीं है, सिर्फ आपको बहुत बड़े बड़े ना माउंटेन दिखते हैं और नारियल के पेड़ दिखते हैं, बादल दिखते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो उसे देख करके ना, जब भी आप बाहर जाते हो ना, तो आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है, जब भी आप बालकनी में बैठते हो तो, और सनसेट यहाँ से दिखता है, तो बहुत ही अमेजिंग जगह है ये। ये अपार्टमेंट बहुत ही अच्छे जगह पे है, बस इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मतलब इस जगह को छोड़ने में। तो फाइनली बहुत सारी बात हो गई और हम कहाँ जा रहे हैं, क्या इसके बाद क्या होने वाला है, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज फ़िलहाल मैं आपको इस घर, पूरे घर का हाउस टूर देने वाली हूँ। हाउस टूर या फिर ये वीडियो मेरे लिए एक मेमोरी है इस घर की, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाया हुआ है, जहाँ पर हम जो भी चीज़ करते थे, बालकनी में हम कॉफ़ी पीते थे और बेडरूम के बालकनी में हम योगा करते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी यादें हैं, वही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में ऐड करने वाली हूँ, आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ, और ये लाइफ टाइम के लिए मेरे लिए भी एक मेमोरी होगा, क्योंकि 8 मंथ ही मैंने इस घर में गुजारे हैं, लेकिन मैंने इस घर में, और मेरी सिस्टर आई हुई थी, मेरी मम्मी आई हुई थी जो अभी 2 दिन पहले गई हुई है, उसकी वजह से तो मैंने और ज़्यादा तकलीफ़ में थी। तो मेरी सिस्टर ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है सारी चीज़ों को जगह पर रखने में, मतलब कपड़े, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मेरे पास बहुत ज़्यादा थे, हम दोनों ने मिल के सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। और सब कुछ होने के बाद फाइनली जब ये ट्रांसफ़र का न्यूज़ आया ना,
तो इतना तकलीफ हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। चलिए, बातें तो बहुत सारी हैं, बट पहले स्टार्ट करते हैं हाउस टूर, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने इसको थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाया, थोड़ी मेमोरी को ऐड किया हुआ है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे हमें ये फ्लैट ओनर ने कुछ इस तरह से प्रोवाइड किया था, ये छोटे छोटे कर्टन भी लगा के दिए थे और पूरा घर खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट ये किचन है और किचन के जो कवर्ड्स हैं वो भी नॉर्मल है, मॉड्यूलर किचन नहीं है। और ऊपर के साइड में जो कैबिनेट बनाया हुआ है वो हमारे बोलने पे बनाया है, बट 3 ही बनाए, दोनों साइड में नहीं बनाए उन्होंने। तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है इस घर में, बहुत ही अनफर्निश्ड सा था, बाथरूम वगैरह के टाइल्स वगैरह भी बहुत ही अनफर्निश्ड थे, कुछ भी पॉलिश्ड नहीं था। बट मुझे चाहिए था बड़ा घर और इस घर में व्यूज़ इतने अच्छे थे और नेचुरल लाइट्स इतनी अच्छी आ रही थी ना कि बस एक बार में मुझे ये फ्लैट पसंद आ गया था। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो बस अलमीरा दी हुई है, वार्डरोब भी नहीं दिया, मतलब प्रॉपर बनाया हुआ नहीं है, जबकि इससे पहले वाले घर में सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया हुआ था, टीवी यूनिट एंड क्रोकरी यूनिट एंड वार्डरोब सारे ही रूम्स में बहुत बड़े बड़े बने हुए थे, लेकिन इस घर में वैसा कुछ नहीं है। बट हाँ, व्यू इज़ जस्ट अमेजिंग। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हमारे फ्लैट का टूर। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम चीज़ें रखी हुई हैं, जस्ट सोफ़ा है, टीवी है, चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है, लाइट्स है, प्लांट्स है। यहाँ पे ऐसे तो कुछ था भी नहीं कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर सकूँ, और मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है बहुत सारी छोटी 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 चीज़ें रखना, इसलिए मैंने कुछ नहीं रखा हुआ है। ये घर मुझे खाली ही अच्छा लग रहा था। और बालकनी इस घर का जो है ना, मतलब इस घर बालकनी में हम लोग बहुत ज़्यादा बैठते थे, मॉर्निंग में, नाइट में। उसके बाद आप दरवाजे से लेफ़्ट के साइड में आओगे तो यहाँ पे हमारा डाइनिंग हॉल है और साथ में मंदिर है। एक्चुअली मैं यहाँ पे फ्रिज भी रखा जा सकता था, बट मुझे नॉर्थ ईस्ट में ना मंदिर ही रखना था। इधर देखो, डाइनिंग टेबल में हम लोग दो टाइम खाना और नाश्ता खाते थे, मतलब सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना हम डाइनिंग टेबल में ही खाते थे सब लोग। मतलब अभी सब मम्मी और मेरी सिस्टर और भाई भी आया हुआ था बीच बीच में, तो सब लोग साथ में खाते थे, लेकिन नाइट के टाइम में हम टीवी देख करके खाते थे। नाउ ये है किचन। किचन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, बहुत ही लंबा था। किचन से अटैच्ड एक बड़ी सी बालकनी थी जिसमें सारे यूटिलिटी के आइटम थे, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, बट किचन के बालकनी से व्यूज़ बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा दिखता था। ये है इवनिंग व्यू। इवनिंग में लाइट्स वगैरह जलने पे बहुत अच्छे लगते थे और हम हमेशा खाने के बाद ना बहुत टाइम तक, लाइक कभी कभी रात के 12-1 बजे तक भी बालकनी में बैठे होते थे जब भी छुट्टी होती थी, क्योंकि बालकनी में बहुत अच्छी हवा आती थी और बहुत ही अच्छा लगता था। आपको दिखाती हूँ पूरा घर। ये गली है और एक साइड में वॉशरूम है, स्टोर रूम है, एंड ये
एक और रूम है, लेकिन यहाँ पे बेडरूम और दूसरे रूम के बीच में एक बहुत अच्छा सा स्पेस दिया हुआ था जहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का सामान रखा हुआ था, क्योंकि बहुत सामान रखना होता है यार। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टोरेज है, साथ में मसाज चेयर भी है। नाउ यहाँ पे आता है बेडरूम, और बेडरूम स्पेशल है तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी भी स्पेशल है। तो बेडरूम को भी मैंने बहुत ही सिंपल प्लेन रखा हुआ है, जस्ट बेड है, वार्डरोब्स है, और यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल भी है। साथ में हमने यहाँ पे ये ऑफिस चेयर तो था ही पहले से, साथ में टेबल लिया हुआ है आइकिया से, प्लांट भी आइकिया से ही है, वीडियो हॉल की जल्दी ही आएगी। और यहाँ पे है ये बालकनी, बहुत बड़ी सी बालकनी, और इस बालकनी को खोलने पे ऐसा लगता था ना कि घर में तूफान आ जाएगा, क्योंकि कोयम्बटूर में ना कुछ मंथ बहुत ज़्यादा ही हवा चलती है, मई से लेकर सेप्टेम्बर तक बिल्कुल तूफ़ानी हवा चलती है। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितनी ज़्यादा हवा चलती है। परफेक्ट रूम था, बहुत अच्छी सनलाइट, बहुत अच्छी एयर आ रही होती थी जब भी आप, मतलब आपको फ़ैन की ज़रूरत नहीं है यदि आपने बालकनी को ओपन कर दिया तो, और बहुत ऊपर है, हाइट में है, तो मच्छर भी नहीं आते थे। नाउ आते हैं हम अपने स्टूडियो रूम में। तो यहाँ इस वाले रूम में सारे ना वार्डरोब भरे हुए थे, जस्ट वन मंथ पहले ही मैंने सारे वार्डरोब्स को बाहर निकाल के सेट किया ताकि यहाँ पे मुझे ट्राई ऑन करने में इजी हो जाए। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ए टू जेड सारा मैंने ही परचेस किया हुआ है, इस घर में कुछ भी नहीं था, वार्डरोब ड्रॉअर वगैरह सब कुछ, यहाँ पे मेरे लाइट्स वगैरह है। बट हाँ यहाँ पे नेचुरल लाइट बहुत अच्छी आती है सभी ही रूम में, यहाँ पे ये बड़ी सी विंडो है जिससे बहुत अच्छी लाइट आती है। तो मोस्टली मेरे जो दिन के वीडियो हैं मैं नेचुरल लाइट पे बना लेती थी, कभी कभी अर्जेंट में कुछ बनाना होता था नाइट के टाइम पे तो स्टूडियो लाइट यूज़ करती थी। नाउ ये है एक और रूम जिसमें मैंने बेड, मुझे बहुत मन था कि लूँगी, बहुत सारी जगह पे जाके चेक भी किया पर मुझे मेरे पसंद का बेड नहीं मिला तो मैंने नहीं लिया। और ये इसलिए मैट्रेस जो है फ्लोर पे ही लगा हुआ है, बाकी यहाँ भी बहुत सारे स्टोरेज है, आयरन वगैरह, आयरन स्टैंड, स्टीम आयरन, और बस यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी एक वार्डरोब है और किचन, और इस रूम की बालकनी जो है वो अटैच्ड है।
Happy birthday to you. हेलो, तो हम खिलाएंगे। हाँ, ये वाला खाइए। लगे। हो गया। चलो। ये था मेरा हाउस टूर और ये कल काइंड ऑफ मेमोरी टाइप की वीडियो है जो कि मैंने आपको बताया मेरे बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है, क्योंकि मैंने इस घर में ना बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस घर को अरेंज करने में। अब तक जब से मैं आई हूँ तब से अब तक बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और जब थोड़ा ये कम्प्लीट हुआ कि हाँ जैसा चाहिए वैसा है, तब मुझे इसे छोड़ के जाना पड़ रहा है। एंड दूसरी ज़्यादा तकलीफ इसलिए भी हो रही है ना, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हम ऑलरेडी घर देख के आ चुके हैं, वहाँ पे हमें इस तरह का घर नहीं मिला। मतलब हमेशा ही ऐसा होता है कि जब चाहिए होता है उस टाइम पे नहीं मिलता है, बाद में आपको वहाँ रहते हुए ही मिल जाता है कि हाँ खाली हुआ तो मिल गया, लेकिन अब जब चाहिए होता है उस टाइम पे नहीं मिलता है। और इतना सारा सामान लेकर के वहाँ पे अगेन शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है। आई थिंक इस घर से बहुत ही छोटा है वो घर जो हमने वहाँ पे फाइनल किया हुआ है, बट हमें वही मिल रहा था, उससे बड़ा कुछ मिल नहीं रहा था। और हमें अच्छी सेफ सोसाइटी चाहिए थी, तो वो हमें वहीं पे मिला है, जो मैं आपको वहाँ जाने के बाद दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल तो बस यही है। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बस ये हमारा आज लास्ट डे है यहाँ पे, कल सारा सामान हमारा जाने वाला है, कल हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, कल हम ट्रांजिट फ्लैट में रहेंगे कल से, मतलब कल सामान जाने के बाद से। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, उसके भी ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे यदि मैं कर पाऊँगी तो, क्योंकि जब काम हो रहा होता है ना तो मेरे हाथ से कैमरा लेकर के शूट करना वो नहीं हो पाता है, मुझे सारे काम प्रॉपर चाहिए होते हैं। बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि कल निदेश भी होंगे तो बोलूँगी थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करने के लिए जो भी प्रोसेस हो रहा है। एंड बस फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।